सरेंडर से किया इनकार। पुलिस ने डाला था दबाव रितु। रामजुला हिट एंड रन मामले में आया नया मोड़। पुलिस को समझ नहीं आ रहा क्या करे। रामजुला हिट एंड रन मामला अब चुनौतीपूर्ण मोड़ पर आ गया है। नशे में तेज गाड़ी चलाकर दो युवकों को कुचलने वाले इस मामले में मुख्य आरोपी रितिका और रितु दिनेश मालू को सजा दिलाने की तहसील पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। रितु मालू ने सेशन कोर्ट में दावा किया है कि उसने पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया है। पूछताछ के लिए जब पुलिस स्टेशन में हुआ उपस्थित होने गई तो पुलिस ने अवैध गिरफ्तारी की। वही पुलिस ने जबरदस्ती कागज पर लिखवाने की कोशिश करने का आरोप रितु ने लगाया। रितु मालू की गिरफ्तारी और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में तहसील पुलिस दो पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की गई है। याचिका पर सेशन जज SU हाकिम के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रितु ने अपना पक्ष रखा। रितु को 1 जुलाई को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में रितु के दावे के मुताबिक जांच अधिकारी संदीप बुआ को उनके पति गिरफ्तार से एक दिन पहले यानी 30 सितंबर की शाम 5:55 में ईमेल के माध्यम से और शाम 6 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजा था, जिसमें रितु जांच के लिए आने के लिए तैयार है बताया गया था। इसके बाद शाम 6:06 पर जांच अधिकारी ने रितु के पति को फोन कर तत्काल थाने में उपस्थिति होने को कहा। हालांकि शाम का समय था, रितु अगली सुबह वह पुलिस स्टेशन गई। इस बार पुलिस ने बिना कोई कारण बताए रितु को गिरफ्तार कर लिया। रितु के पति ने पुलिस उपायुक्त से ईमेल में इसकी शिकायत भी की गई थी। हादसे के बाद से रितु हर बार जांच के लिए मौजूद रही है, लेकिन जांच अधिकारी उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे थे। वह कभी नहीं भागी। रितु ने इस बार विनीसी दावा किया है। आरोपी रितु की पैरवी एडवोकेट चंद्रशेखर जलतारे ने की, वही राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट रश्मि खापड़े ने कामकाज देखा।